हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल ली टक्की। ये करने से व्यू बढ़ेगा लेकिन आपका चैनल डीमोनेटाइज होने का भी चांसेस है। आइए देखते हैं क्यों। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ली टक्की। आज का वीडियो में स्क्रीन रिकॉर्डिंग या मतलब प्रैक्टिकल वीडियो वो सब लेके मैं नहीं आई हूँ। आज मैं बस आपसे कुछ बातें करने आई हूँ, YouTube से रिलेटेड बातें। यस, YouTube में आप लोगों को, हम लोग सबको व्यू का चक्कर में हम लोग बहुत सारा चीजें करते जाते हैं ना, क्योंकि व्यू इज द इम्पोर्टेंट थिंग है ना। व्यू बढ़ाने से हम लोगों का चैनल का ग्रोथ हो जाएगा, तो व्यू कैसे मिलेगा, क्या क्या करना है, ये सब हम लोग हमेशा देखते आते हैं ना। तो आप लोगों सबको मालूम होगा आजकल एक नया फीचर YouTube ने खुद दिया है, वो है मेंशन करने का फीचर। मेंशन करने का फीचर देखिए, साइड में आपको देख पाएंगे हम मेंशन, मतलब एट द रेट डाल के आपका किसी बड़े बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स का चैनल को मेंशन करने का ऑप्शन है कि नहीं। आप लोगों को शायद मालूम होगा क्योंकि हम लोग यूट्यूबर्स यही है, व्यू बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है वो सब हमेशा हम लोग यूट्यूब में देखते रहता है। तो ये फीचर तो आप लोगों को मालूम हुआ होगा है ना। तो ये मेंशन करने वाला फीचर आप गलत वे में इस्तेमाल करेगा, देखिए आपका चैनल का मोनेटाइजेशन तक डिसेबल होने का चांस है। ये आपको मालूम है कि नहीं है। तो ये मेंशन करने वाला ठीक है, आपको व्यू तो मिलेगा ही मिलेगा, आपका चैनल ग्रो भी होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी एक होता है, ठीक है। गलत वे में आप इसको इस्तेमाल करेगा, आपका चैनल 100% डिसेबल, मोनेटाइजेशन आपका डिसेबल यूट्यूब करेगा, ठीक है। तो हाँ, मेंशन करने का मतलब ठीक है, जिसको ये वाला फीचर्स को बारे में मालूम नहीं है उन लोग के लिए थोड़ा सा हम बता रहे हैं। ये मेंशन क्या होता है, टाइटल में नॉर्मली हम लोग व्हाट्सएप में भी कर सकता है, फेसबुक में भी हम लोग चैट करते हैं ना, एट द रेट डाल के किसी का भी नाम डालने से, नाम या मतलब उनका वीडियो चैनल का नाम जो भी डालने से क्या उनको वो नोटिफिकेशन जाएगा, समझ गए, उनको वो नोटिफिकेशन जाएगा कि मेरा चैनल के बारे में या मेरे कुछ चीजें इसमें मेंशन हो रहे तो हमको देखना चाहिए, तो वो लोग देखने का चांसेस है। ये होता है मेंशन, वो टाइटल में डालने का आपको अभी यूट्यूब ने आपको ये फीचर दे दिया है ना। तो इसमें आप ठीक है, आप इस्तेमाल कीजिए, आप इसका यूज मतलब इसका बेनिफिट उठाइए। कैसे, एक होता है गलत वे, एक होता है राइट वे। तो गलत वे क्या है वो मैं पहले बोलने जा रहा है। आप हम लोग क्या करते हैं, एक क्रिएटर नहीं, बहुत सारे क्रिएटर्स को एक साथ ही एट द रेट डाल के उनका नाम है सब डाल के वीडियो में क्या है, उनका वीडियो के बारे में, उनका कंटेंट के बारे में, उनका टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं है, और उनके बारे में भी वो वीडियो में कुछ भी नहीं है, बस 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 उनको वीडियो पहुंचाने के लिए, बस नोटिफिकेशन डालने के लिए डाल रहे, ठीक है। ये हो गया गलत बात। तो ये क्या है, अननेसेसरीली वो क्रिएटर्स को आपका वीडियो को नोटिफिकेशन है, उनको डिस्टर्बेंस हो जाए, ये सबको ये करने के लिए हटाने के लिए यूट्यूब क्या किया, ऐसा वाला वीडियो को कर दो डिसेबल, छोड़ दो ऐसा वाला वीडियो को, आप ये मत करो है ना। तो ठीक है, तो लेकिन इस फीचर से आपको फायदा भी है। कैसे, ये जो सही तरीका क्या है, सही तरीका ये है, मान लो देखो YouTube के बारे में अगर बोलेगा तो हम अब लोगों को फेमस जो क्रिएटर्स है, टेक्नो वेदांत हो गया, वेब बीस्ट हो गया, हमारा मनोज दे हो गया, और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर ना, टेक्निकल गुरु योगी, ऐसा बहुत सारा, तो वो लोग आप मेंशन कर सकता है, लेकिन कृपया, ठीक है, कृपया ही हम बोलेंगे, आप जो जिसको मेंशन कर रहे हैं एक क्रिएटर को मेंशन कीजिए, ऐसा नहीं है कि एक में ही मनोज देखो करो, एक में ही इनको करो, एक में ही उनको करो, वो मत करो, एक यूट्यूबर का मेंशन कीजिए, लेकिन उस वीडियो में क्या होना चाहिए, उनके बारे में कुछ तो होना चाहिए, ठीक है, या आप किसी एक कंटेंट उनका उठा के आप बोल रहे हैं, ठीक है, उनका कंटेंट को उठा के आप बोल रहे हैं, तो वो कंटेंट का उनका ओरिजिनल वीडियो में जो चीज बोला है वो आप बोल के भी एटलीस्ट मतलब हाँ इन्होंने ऐसा बोला है
तो इस तरीके से आप फॉलो करेगा तो आपका ग्रो हो जाए, मतलब कुछ भी ऐसा, मतलब वो जो क्रिएटर जो बोला हुआ चीज को आप कम से कम इसमें मेंशन कीजिए, या उनका उनका कोई भी लाइफ ब्लॉग, वो भी ब्लॉग ही बनाता है, तो ब्लॉग के बारे में आप कुछ अच्छा चीज को उसके बारे में प्रमोट कीजिए, उनका मोटिवेशन के बारे में प्रमोट कीजिए, कुछ तो बोल के वो उनका जो वर्ड्स होना चाहिए या उनके बारे में कुछ तो होना चाहिए, ताकि क्या देखने उनको जब नोटिफिकेशन जब जाएगा तो उनको भी आएगा ना मजा, अच्छा मेरे बारे में कुछ इन्होंने किया है मेंशन, है ना। तो इसमें क्या है, उनको भी आपके मतलब तरफ एक एक अटेंशन आना या कुछ भी, तो ये आपका होता है सही तरीका, दिस इज अ राइट वे ऑफ प्रमोटिंग द चैनल। तो ये आप कर लीजिए, इसको आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ एक ही क्रिएटर को करने का कोशिश कीजिए, उनके बारे में आपका वीडियो में होना चाहिए, बस इतना ही करना है। ये तो गलत वे क्या होता है, आप जाके आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टैग, टाइटल सब जगह बहुत लोगों बहुत क्रिएटर्स का @ करके डाल डाल के उनके बारे में कुछ भी नहीं है, मतलब ना ना आपका टॉपिक उनका इससे रिलेटेड है, ना उनके रिलेटेड कुछ भी नहीं है, अलग अलग चीजें डाल रहे। बस एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपने आपका ब्लॉग बना दिया, जैसे आप कहीं घूमने गया, हाँ हम यहाँ राजस्थान में घूमने आया है या कहीं पे घूमने आया है, उसमें डाल के आप टेक्निकल किसी यूट्यूब को मतलब मेंशन कर रहे हैं, क्या फायदा है। ये तो हो गया आपका लाइफ, हो गया आपका ब्लॉग, हो गया इसमें कौन क्रिएटर आपको मतलब इसमें उनका उनका कोई मतलब उनका जो टेक्निकल वीडियो पे लेके इसमें आप कुछ भी बोल नहीं रहे, बस तो क्या फायदा है ना। तो ऐसा ऐसा काम मत कीजिए, ये आपको बहुत नुकसान करेगा, आपको उल्टा आपको मतलब यूज के इंस्टेड ऑफ गेटिंग हेल्प, इंस्टेड ऑफ गेटिंग बेनिफिट, यू योर चैनल विल बी फॉर एवर इट विल बी गोइंग टू डिमोनिटाइज। तो ये काम मत कीजिए, है ना। बस आज का वीडियो में बस मुझे इतना ही बोलना है, और आप सही तरीके से काम कीजिए, मेहनत कीजिए, आपका चैनल का ग्रो लाइक, है ना। तो इतना ही, तो जाते जाते हम ये जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, मेरा वीडियो से आपको सपोर्ट मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे वीडियो के बारे में बोलिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोगों का सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ेगी, तो मोटिवेशन भी चाहिए ना, कुछ कुछ वीडियो अगर बनाना है तो मुझे मोटिवेशन की जरूरत है, तो आपको सपोर्ट मुझे चाहिए। मेरा भी है कि किसी चीज को लर्न करने का मेरे अंदर में बहुत बहुत पेशेंस है, तो आप अगर कुछ चीजों के बारे में हमसे पूछेगा तो एटलीस्ट हमको अगर जानता नहीं है, हम वो चीज के बारे में नहीं जानते, तो मैं क्या करूंगी उसके बारे में सीख के सिंपल वे में आपको समझाने का कोशिश तो जरूर करूंगी, है ना। तो आपको जो भी डाउट्स है, प्रॉब्लम है, तो मेरे से शेयर कीजिए, हम आपका मदद करेंगे, तो इसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए, इतना ही बोलना है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।